आप देख रहे हैं NHI न्यूज, मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। महामारी के बीच फीस का भुगतान नहीं करने पर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करने के लिए अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और जिला प्रशासकों के आदेशों के बावजूद कुछ स्कूल ऑनलाइन फीसों को बंद करके और स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC की स्थिति में भी फीस मांगने पर अभिभावकों पर फीस के भुगतान का दबाव जारी रखते हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अभियान जागो पालक जागो के तहत अभिभावकों के एक समूह ने मंगलवार को रीगल स्क्वायर पर अपने मुद्दे उठाए। स्कूल माता पिता के मुद्दों पर चिंताओं को एक मुश्किल स्थिति में छोड़ रहे हैं। अभियान में समन्वयक रमाकांत शर्मा ने कहा, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव और आर्थिक गिरावट के कारण हर कोई वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, कुछ स्कूल किसी भी कीमत पर मुनाफा दर्ज करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने समझाया कि माता पिता स्कूल प्रशासन से बार बार मुद्दों को सुलझाने और अपना रुख साझा करने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फीस का भुगतान न होने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों का बहिष्कार ज्यादातर स्कूलों में एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले माता पिता ने संबंधित स्कूलों से भी संपर्क किया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अभिभावकों के मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साझा किया कि हाल ही में एक बैठक में एक स्कूल ने माता पिता से इस वर्ष के शुल्क का भुगतान करने की मांग की, भले ही उन्हें स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC की आवश्यकता हो। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रखने के लिए स्कूल के विरोध में अभिभावकों ने नारे लगाए और जिला प्रशासन से मदद मांगी। कानूनी कार्यकर्ता चंचल गुप्ता ने कहा कि हम प्रशासन से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूलों में भी ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की है, क्योंकि उच्च न्यायालय HC ने फैसला सुनाया है कि इस शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल ट्यूशन शुल्क ही जमा किया जा सकता है।